सर टीके बॉर्डर से खबर आ रही है, पता नहीं कितनी सच्चाई, कैसे देख रहे हो उसको सर? उसके पिताजी से बात हुई थी, उसको बुलवाया था बंगाल से, उससे रिपोर्ट करवाई है और संयुक्त मोर्चा परिवार के साथ में इसकी जांच होनी चाहिए पूरी। सर हरियाणा में आंदोलन हुआ था जाट आंदोलन, उसमें भी ऐसी गंभीर आरोप लगे थे जाटों पर स्पेशली, ये कुछ षड्यंत्र की बू आती है क्या? हाँ है, एक पेपर है जिसने ज्यादा खिलाफत कर रहा हो इस आंदोलन में लग रहा हो, बदनाम करने की कोशिश की, बदनाम करने को दैनिक जागरण ज्यादा कर रहा काम। जांच हो जाएगी, जांच में हम साथ देंगे पूरा पुलिस फोर्स का, उनका सब। सर ऐसी जो घटना आ जाती है कभी कभी अप्रिय घटनाएं, इनको रोकने के लिए सर किसान आंदोलन क्या तैयारी कर रहा है? तैयारी जो घटना करेगा, देश में कानून संविधान है, कानून अपना काम करेगा, जरूर अगर ये घटना पाई जाएगी तो सजा होगी उसको, कानून अपना काम करेगा, हम पूर्ण रूप से साथ रहेंगे। जो वॉलंटियर्स हैं किसानों के, उनको कुछ ऐसी जिम्मेदारी दी है आपने, कार्ड वार्ड कुछ बांटे हैं ऐसे लोगों को जो अपनी पहचान हो जाए? वे तो इस मोर्चे का कोई हिस्सा नहीं थे, वो कोई आर्मी उन्होंने कोई बना रखी उसके थे वे ना, संयुक्त मोर्चे में थे, उनके टेंट वगैरह हटाए हैं उनके वन से, और फिर जब तक जांच नहीं होती सब बाहर रहेंगे। सर जो बेकदरी हो रही है जो सबों की, हाँ तो बीजेपी फेलियर है भाई, शमशान घाट पे भी लाइन लग रही तो सरकार फेलियर हुई है सारी चीज। सरकार अगर बीजेपी की होती तो बात सुन लेती, सरकार तो कंपनियों की है, कंपनी चला रही आजकल। सर आधी साल गुजरने जा रही है किसान आंदोलन को, सर कुछ सफलता मिल रही है सर? आधी साल में कोई जीवन थोड़ा खत्म हो गया, सबसे बड़ा सर आंदोलन लग रहा है हमको इस आजादी के बाद हो जाएगा, अभी ज्यादा टाइम कहाँ होगा, 6 महीने तो ये कम से कम सालक भर तो चलना ही चाहिए। जाड़े गुजर गए, गर्मी भी गुजरती जा रही है थोड़ी, हाँ तो सर्दी में हो जाएगा आंदोलन ठीक। सर किसान 6 महीने का राशन लाए, अब कैसे? अब 6 महीने का फिर स्टैंड करते हैं, 26 तारीख को ही तो करेंगे। हाँ तो फिर आगे और क्या, आगे और बढ़ जाएगा क्या सर? जब ऐसी खबरें आती हैं कि जो बॉर्डर पर महिलाएं काम कर रही हैं तो कहने के डर नहीं, नहीं कोई इस तरह का कोई वो नहीं रहता, सब लोग सुरक्षित हैं और कोई इस तरह का माहौल नहीं है। संयुक्त मोर्चा की जो पूरी कमेटी है इसमें कुछ अभी कुछ नई चीजें आई हैं इसके भट्टा के बाद से, कुछ नई चीजें ले आ रहे हो? नहीं अपने वो निगाह रखते हैं, कोई चीजें आती हैं तो भाई वो बताए, कोई भी चीजें हैं अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है तो बताए, और इन चीजों की निगाह भी रखते हैं हम। सर कैंपों में कुछ आदमी कम है, मतलब किसान आंदोलनकारी कम हो गए हैं, कब तक इनमें भर जाएंगे और फिर से एक जोश आएगा? क्या करना भर के, कोरोना काल में तो जो गाइडलाइन है उसका पालन करना चाहिए। सर आप लोगों ने कहा कि 2 मई के बाद सरकार आ जाएगी दिल्ली में, लगातार आपका बयान रहा है, अब दिल्ली में सरकार आएगी तो बातचीत और बातचीत हो जाएगी, जब अगर उनको करनी होगी तो बात कर लेगी। मूड नहीं है क्या सरकार का बातचीत करना? अब क्या बता भाई, मूड है नहीं है, और अभी कहाँ जल्दी है जी, गर्मी में क्या बात करें, अभी तो कोरोना पर काम करना चाहिए उनको, हम भी उसी पे ही काम कर रहे हैं, ये बीमारी है तो हो जाएगा आंदोलन की तो बातचीत हो जाएगी। कोरोना का जिक्र किया, पप्पू यादव ने कुछ बीजेपी सांसद की वो दिखा दी एम्बुलेंस, उनको आज गिरफ्तार कर लिया पुलिस। पप्पू भाई सच्चाई कहना तो देश में अगर सच बोलना यही तो कानून है, सच बोलना ही तो अपराध है देश में, सच बोलना तो सजा का गुनहगार होगा। सर जब आप बंगाल गए थे आपने सपोर्ट किया था वहाँ के लोगों को, किसानों को सपोर्ट किया था, तो कुछ उसमें आपको सफलता मिली है उस चुनाव के बाद से, तो कहा मिली हमारी जीत होगी? दिखी नहीं सफलता तो वही तो दी, सफलता दिखेगी क्या? मनोबल बढ़ेगा उससे, आंदोलन बढ़ेगा, आंदोलन का बढ़ेगा, देश की जनता का भी बढ़ेगा। सर अगले साल चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो क्या तैयारी है किसानों की जिससे कि मतलब किसान विरोधी सरकार को हटाया जा सके? अब हमें क्या पता अभी क्या है, तो जनता भाई अपने आप देख लेगी, पहले तो एक कानूनों की बात कर ले सरकार। किसान यहाँ पे किसान कहते थे कि हम बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उसको गांव में नहीं घुसने देंगे, लेकिन मुजफ्फरनगर बागपत स्पेशली जो क्षेत्र है जो किसान बेल्ट कहा जाता है वहाँ ज्यादा सफलता मिली है भाजपा को। कहाँ पे मिली? पंचायत चुनाव में। कहाँ पे मिली? मुजफ्फरनगर में, जिले से। अगर वहाँ 43 सीटों में से 13 उनको 13 मिल गई तो कोई ज्यादा, मतलब सबसे बड़ी पार्टी उभर नहीं तो ज्यादा मिल गई क्या? 13 सीटें ज्यादा है, 30 सीट भी हार गया पंचायत, 30 सीटें तो दूसरों को ही मिली ना सर किसान भाई 13। हाँ तो हार गया होगा, तो इंडिविजुअल चुनाव होता है, कोई पार्टी का चुनाव नहीं होता। लेकिन सर गुस्सा तो बहुत था किसानों में फिर भी इतनी सफलता, और गुस्सा 13 सीटें भी जीतना कोई ज्यादा वो कम है क्या? 13 तो जीत ली उन्होंने अपना, ठीक है 13 पे।
सर जिस प्रकार, लेकिन अध्यक्ष उन्हीं के ही बनेंगे ज्यादा। देश में 3000 सीटों पर है, उन्होंने 600 सीटें जीती और अध्यक्ष बीजेपी के बनेंगे क्योंकि तोड़ फोड़ करेंगे सब। चुनावों से ऐसे नजर आ रहा है जैसे निर्दलीय सबसे ज्यादा जीते हैं, इंडिपेंडेंट सारी पार्टियों को नकार दिया। क्या कोई नए विकल्प की जरूरत है क्या देश की? क्या पता क्या होगा। तो सर गंगा जी समेत जो कई नदियां हैं उनमें आजकल बहुत सौ बहते दिखाए जा रहे हैं, क्या सिस्टम फेल हो चुका है इस महामारी में? ऐसा तो नहीं, तो प्रशासन को उठता है कोई शव अगर अननोन बॉडी मिली है नदियों में बहती हुई, गाजीपुर जो उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट है, बिहार से भी वो कह रहे हैं कि यूपी से आई है बह करके ये, और बिहार ये अब ये जानकारी नहीं, हमें इसकी जानकारी नहीं, तो प्रशासन जांच कर। सर आज चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है सर, क्या लग रहा है कुछ किसानों में कुछ बताया, कुछ संदेश देंगे आज? संदेश ये है कि भाई चंद्रशेखर जी का एक बड़ा योगदान देश में रहा है आजादी के टाइम। सर किसानों के बड़े नेता चले गए, किसानों के बीच से हाँ चले गए, अब क्या उनकी भरपाई हो पाएगी? हाँ वैचारिक रूप से भरपाई जरूर होगी, जो उनके विचार थे वे आम जनता तक जाएंगे। कुछ लोग आप पे नजर लगाए बैठे हैं उनकी भरपाई? नहीं नहीं, चलो हम किसी की उस पे नहीं करते, हम न इतने बड़े हैं कि हम किसी की भरपाई हम कर देंगे। हम तो एक, लोग स्वागत करते हैं, ऐसा 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 नहीं है, उठते किसी के उस पे, उनका एक बड़ा योगदान देश में रहा है उनका। सर कुछ मीडिया में खबरें आई हैं कि आप 26 के को आपने फिर से कुछ बना दिया है, कुछ घोषणा करने वाले हैं 26 में? 26 में क्या घोषणा करेंगे, 26 को 6 महीने हो जाएंगे, तो 6 महीना मनाएंगे 26 तारीख में। सर किसानों को उम्मीद नहीं थी ना इतना लंबा आंदोलन चलेगा? ना थी उम्मीद किसानों को, जब तो 6 महीने का राशन कहा था, हाँ ये उम्मीद थी। सर कुछ लोगों में ये बहम दौड़ गया है कि इस बार सरसों महंगी हो गई है किसानों की वजह से, और सरसों का तेल 180-190 हो गया है, किसान आंदोलन कर रहे हैं। सरसों तो ज़्यादा महंगी नहीं हुई, लेकिन तेल जरूर महंगा हो गया, क्योंकि अडानी का तेल आ रहा ना, तो पूरे उस पर एक चीज़ पर उनका अधिकार हो रहा, तो जिस दिन ये जनता समझ जाएगी तो उस दिन, उसी दिन का तो खेल है कि जनता कम से कम समझ जाए कि हो क्या रहा। सर जो महामारी है देश में, इससे कुछ बड़े उद्योगपति हैं, ऐसी कुछ खबरें छन करके आ रही हैं कि वो देश छोड़ चुके हैं, लंदन जा चुके हैं। अब पता नहीं भाई, इसकी तो जानकारी सरकार को है, पाबंद लगाना चाहिए उन पर, कब भाग गए यहाँ से, तो फ्लाइट तो बंद है अभी। स्पेशल फ्लाइट होती सर उनकी तो। लेकिन सर आजाद भारत में इतना लंबा आंदोलन नहीं चलता है, अब क्या करें, कोई ज्यादा कहाँ चलेगा, 6 महीने ही तो हुए हैं अभी, ज्यादा कहाँ होगा आंदोलन, 6 महीने का आंदोलन ज्यादा बड़ा होता है क्या? कहा जाता है सरकार जनता से चलती है, लेकिन जनता की नहीं सुन रही है, फेलियर है, चलेगा अभी आगे तक चलेगा ये। सर आखिरी सवाल आपसे है, सर जो गाजीपुर बॉर्डर है कुछ सुविधाएं, जन सुविधाएं, पानी की, पंखे की, बिजली की, कुछ लंगर भी, थोड़ा सा रसद सामग्री आनी चाहिए, कुछ लोगों ने बताया आना आएगा, कहेंगे गाँव वालों को भिजवाएंगे, क्योंकि 6 महीने का ही तो था, अब आना शुरू हो जाएगा फिर।